तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। तो बेटा क्लास ट्वेल्थ कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आपका दूसरा लेक्चर है। अगर हम अपने पहले लेक्चर की बात करें तो पहले लेक्चर में हमने फुल कॉलिंग वाले पॉइंट को कवर किया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमने आपको बताया था कि शेयर आप दो तरीके से इशू कर सकते हो, एक आपका फॉर कैश कंसिड्रेशन होता है और एक आपका क्या होता है विदाउट कैश कंसिड्रेशन होता है। फॉर कैश कंसिड्रेशन में मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपने शेयर को दो तरीके से, शेयर के पैसे को दो तरीके से डिमांड करती है, दो तरीके से मंगाती है। एक होता है फुल कॉलिंग और एक होता है आपका क्या इंस्टॉलमेंट कॉलिंग। फुल कॉलिंग भी आपका एट पर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट है और इंस्टॉलमेंट कॉलिंग भी आपका एट पर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट है। अच्छा, क्या होता है एट पर एट प्रीमियम एट डिस्काउंट? कल बता दिया था ना कि अगर आप फेस वैल्यू के बराबर इशू प्राइस है आपका तो वो एट पर हो जाएगा, फेस वैल्यू से ज़्यादा आपका इशू प्राइस है तो आपका प्रीमियम हो जाएगा, और फेस वैल्यू से अगर कम है तो वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसी को लेकर हम लोगों ने तीन केसेस किए थे। कंपनी इशू शेयर फॉर कैश कंसिड्रेशन एट पर, और फिर आपका एट प्रीमियम, और लास्ट में आपने देखा था एट डिस्काउंट देख लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा? आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके इंस्टॉलमेंट कॉलिंग की। यानी जब कंपनी अपने शेयर के पैसे को, कंपनी जब अपने किसके पैसे को बेटा, शेयर के पैसे को अपना डिमांड करती है, वो भी इंस्टॉलमेंट के रूप में, चाहे वो इंस्टॉलमेंट आपका एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो या फिर आपका लास्ट क्या हो सेकंड एंड फाइनल कॉल हो, तो इनसे रिलेटेड क्या हमारी एंट्री होती है इसको आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा आज हेडिंग लिखिए ज़रा सभी लोग, सबसे पहले हेडिंग लिखिए लेक्चर नंबर टू, क्योंकि आज हम लोग लेक्चर नंबर टू कवर कर रहे हैं। आज का डेट डाल लीजिए आप लोग अपना अपना। लेक्चर नंबर टू और हेडिंग डालिए इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिड्रेशन और इसमें इंस्टॉलमेंट कॉलिंग। कौन सी कॉलिंग बेटा? इंस्टॉलमेंट कॉलिंग। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट कॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे को मंगाती है वो चार तरीके से मंगाती है। कितने तरीके से मंगाती है? चार तरीके से मंगाती है। यानी वो अप्लीकेशन के रूप में पहला शेयर का पैसा मंगाएगी, अप्लीकेशन के बाद वो आपका अलॉटमेंट में पैसे को डिमांड करेगी, फिर आपका फर्स्ट कॉल में पैसे को डिमांड करेगी, और लास्ट में आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी पैसे को डिमांड कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ और आप ये जानिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चार पॉइंट में ही कंपनी अपने पैसे को मंगाए। हो सकता है कि तीन में ही पैसा मंगा ले, हो सकता है दो में भी पैसा मंगा ले, मतलब पूरा का पूरा, या हो सकता है 5, 6, 7, मतलब जो भी लास्ट कॉल रहेगा उसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, फाइनल शब्द लगा देंगे। जैसे मान लीजिए तीन बार में ही पैसा मंगा रही है, यानी अप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के आखिरी में क्या लिख देंगे, फाइनल कॉल लिख देंगे, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देंगे। अब एक चीज़ और जानिए, जब आप अलॉटमेंट की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अलॉटमेंट में आपको दो पॉइंट देखने को मिलेगा। कितना पॉइंट देखने को मिलेगा? दो पॉइंट देखने को मिलेगा, एक आपका एट पर और एक आप, माफ़ करिएगा, एक आपका एट प्रीमियम और एक आपका क्या देखने को मिलेगा, एट डिस्काउंट। एट पर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले एट पर वाले को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं बेटा? एट पर वाले को कंसीडर करते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, अप्लीकेशन में सबसे पहले भाई देखिए, दो एंट्री एप्लीकेशन में होगी, दो एंट्री आपकी अलॉटमेंट में भी होगी, दो एंट्री आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी होगी, सॉरी फर्स्ट कॉल में होगी, और दो एंट्री आपकी कितनी होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल में होगी। ठीक है,
पहली दो एंट्री जो एप्लीकेशन के साथ कराई जाएगी उसमें सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी वो होगी आपकी बैंक रिसीव की। पहली एंट्री आपकी कौन सी होगी? आपकी बैंक रिसीव की। और दूसरी एंट्री होगी आपकी कौन सी? कन्वर्ट की, मतलब बैंक अमाउंट, या आप ये कह सकते हो कि एप्लीकेशन अमाउंट कन्वर्टेड इनटू द शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन अमाउंट कन्वर्टेड इनटू द शेयर कैपिटल, ये हमारी दूसरी एंट्री होगी। अलॉटमेंट की बात करें बेटा, तो अलॉटमेंट में भी आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक आपका ड्यू रहेगा और दूसरा आपका क्या रहेगा? बैंक रिसीव रहेगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल में भी आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक रहेगा आपका क्या? ड्यू, और दूसरा क्या रहेगा? आपका बैंक रिसीव। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी यही कहानी होगी, ड्यू की और बैंक रिसीव की। बताओ समझ में आ गया इतना कि नहीं आ गया? तो जैसे चार्ट बना रहा हूँ वैसे आप चार्ट बनाते रहिए, और फिर अब आप एक काम करिए, जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए। जल्दी से क्या बना लीजिए? फॉर्मेट बना लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं। पहली एंट्री देखिए, अब जो पहली एंट्री हम करने जा रहे हैं वो किसको लेके करने जा रहे हैं? एप्लीकेशन को लेकर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री में मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन में सबसे पहले आप क्या रिसीव करेंगे? बैंक यानी पैसा रिसीव करेंगे। तो आप अपनी पहली एंट्री लिखिए, व्हेन शेयर मनी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। बोलिए बोलिए। बैंक टू नरेश, ठीक है। तो जब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा क्या एंट्री करेंगे बेटा? एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो आप अमाउंट लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आप क्या लिखेंगे बेटा? अमाउंट लिखेंगे वो अमाउंट आपका क्या होगा? एप्लीकेशन रेट, एप्लीकेशन रेट इनटू शेयर इशू, इनटू शेयर इशू, या शेयर इशू नहीं, एप्लीकेशन रिसीव। ठीक है, क्या लिखेंगे आपका? एप्लीकेशन रिसीव। ठीक है, एप्लीकेशन रेट इनटू एप्लीकेशन रिसीव। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला एंट्री क्या? एप्लीकेशन में जब आपको एप्लीकेशन का पैसा क्या होगा? रिसीव होगा। अच्छा, नरेशन क्या होगा? जो आपने ऊपर हेडिंग लिखी है ना वही आपका नरेशन है, जो ऊपर हेडिंग है वही आपका क्या रहेगा? नरेशन रहेगा। ठीक है भैया, चलिए। तो अब इधर देखिए, सभी इधर देखेंगे, ये देखिए पहला वाला बैंक रिसीव वाला पोर्शन हमारा हो गया ना। अब दूसरा वाला हमें करना है, दूसरा क्या है? कन्वर्ट वाली एंट्री करनी है, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी कन्वर्ट इनटू शेयर कैपिटल, इनटू शेयर कैपिटल। अब देखिए इसकी क्या एंट्री होगी? जो आपका एप्लीकेशन अमाउंट है भाई, एप्लीकेशन अमाउंट कहाँ है सर? ये रहा, ये जो हमारा एप्लीकेशन अमाउंट है इसी को हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। वो भी किस में कन्वर्ट करना है? शेयर कैपिटल में। तो अगर यहाँ पर ये क्रेडिट है तो ऑटोमेटिक जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यानी हमारी एंट्री क्या होगी भाई? हमारी एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आपका शेयर कैपिटल, और नरेशन क्या होगा जो आपने ऊपर लिखा है वही आपका क्या है नरेशन। ठीक है भैया। सर अमाउंट जो आपका एप्लीकेशन का रेट था, जो एप्लीकेशन का अमाउंट था वही आपका कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो एंट्री तब परफॉर्म की जाएगी जब आप एप्लीकेशन वाला पॉइंट करेंगे, ये दो एंट्री तब परफॉर्म की जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इन दो एंट्री के लिए आपने ये दो एंट्री सीख ली, इन दोनों पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अब बारी किसकी है बेटा, अब बारी है अलॉटमेंट की। ठीक है, आइए फटाफट इसको भी देख लेते हैं अलॉटमेंट। अच्छा एक चीज़ जानो, अलॉटमेंट में आपको तीन तरीके का पॉसिबिलिटी मिलेगी। अलॉटमेंट में कितने तरीके की पॉसिबिलिटी मिलेगी, तीन तरीके की पॉसिबिलिटी मिलेगी। एक कौन सी मिलेगी, एट पर वाली, एक मिलेगी एट प्रीमियम वाली, और एक मिलेगी आपकी कौन सी, एट डिस्काउंट वाली। ठीक है, तो अभी हम इस पे अलॉटमेंट एट पर लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं हम, अलॉटमेंट एट पर लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम ड्यू करेंगे। सबसे पहले बाबू क्या करेंगे, हम ड्यू करेंगे। और ड्यू की एंट्री क्या होगी हमारी, देखिए ज़रा, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए भैया क्या एंट्री होगी देखेंगे, एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, अच्छा सर अमाउंट कौन सा रहेगा, अलॉटमेंट रेट इनटू शेयर इशू, इनटू आपका शेयर इशू। ठीक है, एक मिनट बस। या शेयर इशू इनटू अलॉटमेंट रेट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और जानिए, ये तो पॉइंट था आपके एट पर के ड्यू का, लेकिन सपोज करिए कि अगर यही प्रीमियम पे होता, तो अगर यही किस पे होता, आपके प्रीमियम पे होता, तो हम यहाँ पर देखिए, when allotment money due at premium, due at premium। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक बात बताइए, प्रीमियम आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है ना, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी देखिए ज़रा, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या पूछना है पूछिए जल्दी से। शेयर ठीक है, टू आपका शेयर कैपिटल, और टू आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बेटा, टू आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, सही है। ठीक, अब देखिए ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इसका रेट क्या रहेगा, शेयर इशू इनटू प्रीमियम अमाउंट।
या इनटू प्रीमियम रेट, और ये क्या रहेगा, शेयर इशू इनटू अलॉटमेंट रेट, और ये क्या रहेगा आपका टोटल। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो जो आएगा टोटल वो आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में लिख उठेगा, ठीक है। यानी जब भी आप प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम की जो एंट्री होगी वो किसके साथ होगी, आपकी ड्यू के साथ होगी। किसके साथ होगी बेटा, ड्यू के साथ होगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए डिस्काउंट शब्द आ गया, यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया आपका, डिस्काउंट शब्द आ गया। चलिए ये भी देख लेते हैं, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू एट डिस्काउंट, ड्यू एट डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताइए, डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस होता है ना भाई, 2 रुपए की चीज को बदले आप 1 रुपया रिसीव कर रहे हो तो 1 रुपया आपके लिए क्या हो गया, लॉस ही तो हुआ, ठीक है। और लॉस का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। यानी यहाँ पे जो आप एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और फिर आपका टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, देखिए शेयर इशू इनटू अलॉटमेंट रेट, अलॉटमेंट रेट, और ये क्या है आपका शेयर इशू इनटू डिस्काउंट रेट, इनटू क्या आपका डिस्काउंट रेट, और ये क्या है, क्या करेंगे भाई, जब आप शेयर कैपिटल में से डिस्काउंट घटा देंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट, यानी ये बैलेंस, यानी ये आपका क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई आपको, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, या तो क्वेश्चन आपको ऐड पर देगा, या तो प्रीमियम देगा, या तो आपका क्या देगा, डिस्काउंट देगा। यानी अलॉटमेंट पे या तो एट पर, या तो एट प्रीमियम, या फिर आपका क्या एट डिस्काउंट। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बातें समझ में आ गई। यानी आप ड्यू की जो एंट्री करेंगे उसी ड्यू में आप अपने प्रीमियम के पैसे को, आप अपने डिस्काउंट के पैसे को, या फिर आप अपने एट पर के पैसे को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। और जो आखिरी में जो भी आपको पैसा मिलेगा उसकी आपकी दूसरी एंट्री क्या होगी, व्हेन, लिखिए व्हेन अलॉटमेंट, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है बेटा। अच्छा नरेशन, ये जो ऊपर आपने लिखा है यही आपका क्या हो जाएगा, नरेशन। तो इसी के साथ आपका अलॉटमेंट की एंट्री हमारी यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री को देखना है। देखिए एक चीज़ जानिए, जब आप अलॉटमेंट की एंट्री सीख चुके हो ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर हमने आपका फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की भी एंट्री को सीख लिया है। कैसे, जहां शब्द अलॉटमेंट लगे वहां आप फर्स्ट कॉल लगा दीजिए, या जहां आप सेकंड कॉल की एंट्री कर रहे हैं तो जहां आपका अलॉटमेंट लगे वहां सेकंड एंड फाइनल कॉल लगा दीजिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉल वाली एंट्री देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू, तो ऑन ड्यू क्या एंट्री होगी बेटा, देखिए ज़रा शेयर, अब अलॉटमेंट के जगह हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल लिखेंगे, यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल, ठीक है भैया। ये तो हो गई हमारी ड्यू की एंट्री। अच्छा अमाउंट कितना रहेगा भाई यहाँ पे, वही शेयर इशू इनटू फर्स्ट कॉल रेट, ठीक है, फर्स्ट कॉल रेट। उसके बाद अगला एंट्री, जब आप पैसे को रिसीव करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अच्छा क्या एंट्री होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा सेकंड कॉल की एंट्री आपसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा, जल्दी से करें, ठीक है। सेकंड कॉल की एंट्री आप अपने आप से करिए, पहले ड्यू करिए, ड्यू करने के बाद फिर क्या करना है, पैसे को रिसीव करना है। चलिए आगे देखते हैं, तो अगला बेटा क्या होगा ड्यू वाला, जल्दी से देख लीजिए, कर लिया आपने तो सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू करेंगे सबसे पहले क्या एंट्री होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन वही ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा अमाउंट कितना, अमाउंट कितना सर, अरे भाई जितना शेयर इशू किए हो, है ना, शेयर इशू इनटू सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक। और पैसा आप रिसीव करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक। पॉइंट क्लियर हो गया, मनी रिसीव ये नरेशन हो जाएगा आपका, ठीक। तो इतना जब आप कर लेंगे तो आपकी ये जर्नल एंट्री क्या मान ली जाएगी, कंप्लीट मान ली जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन में भी आपको दो एंट्री करना है, अलॉटमेंट में भी दो एंट्री करना है, फर्स्ट एंड फाइनल सेकंड में भी आपको क्या करना है, दो दो एंट्री करना है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में आपकी किताब में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रिपेयर द कैश बुक,
या प्रिपेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा देगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग क्या करते हैं, लगे हाथ कैश बुक भी बना लेते हैं। ठीक है, तो कैश बुक का मतलब कैश लेजर से है। कैश बुक का मतलब यहाँ किससे है आपके, कैश लेजर से है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको कैश दिखे, अच्छा कहाँ कहाँ आपको कैश दिख रहा है ये बताइए, कहाँ कहाँ कैश दिख रहा है, स्टार्टिंग से देखते हैं। कैश या बैंक कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो सबसे पहले तो ये दिख रहा है, ठीक है, फिर कहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक लिख दूँ, एक और कहाँ दिख रहा है, ठीक है, और कहाँ दिख रहा है, ज़रा जल्दी बताइए। देखो ऐड पर, ऐड प्रीमियम या ऐड डिस्काउंट, एक ही पकड़िएगा, ठीक है, और वो कौन सा रहेगा आपका, बैंक वाला ही रहेगा ना, ये रहा, दूसरा ये हो जाएगा, है ना, तीसरा कहाँ रहेगा, ये रहा फर्स्ट कॉल में जब पैसा रिसीव कर रहे थे, चौथा ये रहा जब सेकेंड कॉल में आप पैसा रिसीव कर रहे थे। तो इसी के अपोजिट साइड वाले को ही तो आपको ट्रांसफ़र करना है भाई। लेज़र का क्या रूल कहता था कि जिसका भी आप अकाउंट बनाएंगे उसके अपोजिट साइड वाले को ही आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, यही तो लेज़र का रूल था हमारा। तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश बना रहे हो, या फिर क्या बना रहे हो, बैंक अकाउंट बना रहे हो, डेट पर्टिकुलर JF, ये हो गया आपका अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF, और ये हो गया आपका क्या अमाउंट। आइए अपोजिट में एक बार फिर से देख लीजिए, पहला कहाँ था, बैंक, तो बैंक के अपोजिट कौन है, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल यहाँ पे किस में है, क्रेडिट में है या डेबिट में है, ऑब्वियसली सर क्रेडिट में है। तो ये लेजर में जब ट्रांसफर होगा तो ये किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड ही तो लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अपना, टू शेयर अप्लीकेशन, ठीक है, टू शेयर अप्लीकेशन, और यही चीज़ अलॉटमेंट के साथ भी थी, तो टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, यही चीज़ आपकी फर्स्ट कॉल के साथ भी थी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल में भी यही था, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक, और लास्ट में आपका क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस CD, ठीक है, तो बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, और आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अच्छा अगर मान लीजिए, ये तो था आपका कैश और बैंक का अकाउंट हो गया, अभी मान लीजिए आपको शेयर कैपिटल अकाउंट दे देता बनाने को, प्रिपेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट, तो उसको भी तो हमें बनाना पड़ता। चलिए फिर शेयर कैपिटल देख लेते हैं कहाँ कहाँ दिख रहा है, एंट्री में देखिए ज़रा, एंट्री में देखिए शेयर कैपिटल कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए शेयर कैपिटल ये रहा, पहला तो ये रहा, है ना, पहला तो ये रहा, दूसरा कहाँ है शेयर कैपिटल, ये रहा ड्यू वाले में, ठीक है, ये दूसरा। तो अभी हम सिर्फ कौन सा उठा रहे हैं, कौन सा उठा रहे हैं, ऐड पर वाला, ऐड प्रीमियम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वहाँ पे भी शेयर कैपिटल उठा लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है बेटा, जल्दी से बताइए, और कहाँ शेयर कैपिटल आपको दिखेगा, ये आपका डिस्काउंट वाले में भी है, प्रीमियम वाले में भी है, फर्स्ट कॉल वाले में देखिए, ये हो गया हमारा तीसरा,
और सेकंड कॉल में ये रहा हमारा चौथा। तो अपोजिट साइड क्या है आपका, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है, शेयर फर्स्ट कॉल है, शेयर अलॉटमेंट है, शेयर मनी शेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यही तो ट्रांसफर होगा आपका। आइए फटाफट एंट्री इसका भी लेज़र बना लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट ट्रांसफर करिए। अब देखिए शेयर कैपिटल के अपोजिट पहली एंट्री कहाँ थी आपकी, एप्लीकेशन वाले में ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपका डेबिट है, जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना। यानी बाई शेयर एप्लीकेशन, ठीक है भैया। अच्छा अलॉटमेंट में भी यही होगा, बाई शेयर अलॉटमेंट, फिर बाई शेयर फर्स्ट कॉल, फिर बाई शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक। और उसके बाद आखिरी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। और आपका यहाँ पे अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक। लीजिए शेयर कैपिटल वाला भी लेज़र बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो अब इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कहाँ देख लेते हैं बेटा, बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ जानिए, अभी आपको हम सेपरेट एक बैलेंस शीट का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा है उसे आप देख लीजिए। जब आप अपनी बैलेंस शीट की बात करते हो, जब आप अपनी किसकी बात करते हो बेटा, बैलेंस शीट की बात करते हो, तो बैलेंस शीट को दो पार्ट में बनाया जाता है। एक पार्ट रहता है आपका, पार्ट ए रहता है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी। एक पार्ट क्या रहता है आपका, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और जो दूसरा पार्ट हमारा होता है वो रहता है आपका एसेट्स का। कौन सा रहता है बेटा, एसेट्स का रहता है, ठीक है। तो अभी आप शेयर इशू कर रहे हो, आप क्या इशू कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, तो लाइबिलिटी से तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि लाइबिलिटी में भी कुछ पोस्ट होगा। अगर कुछ पोस्ट होगा तो वो किस में होगा, आपके इक्विटी में पोस्ट होगा। और एसेट्स के किस में पोस्ट होगा, आपके कैश में पोस्ट होगा। क्योंकि शेयर आप इशू कर रहे हो, तो शेयर इशू करने के बाद आपका कैश और बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या तो कैश बैलेंस बढ़ेगा या तो कौन सा बैलेंस बढ़ेगा आपका, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो इक्विटी में हमारी जो पहली हेडिंग होती है वो होती है आपकी शेयर होल्डर फंड के नाम से। किसके नाम से बेटा, शेयर होल्डर फंड के नाम से हमारी पहली हेडिंग होती है। और इस पहली हेडिंग का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है आपका शेयर कैपिटल। वो होता है आपका क्या, शेयर कैपिटल। और ये जो शेयर कैपिटल बैलेंस है ना, कौन सा, ये वाला बैलेंस हम लोग इस शेयर कैपिटल अमाउंट में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। और आपको पता है कि रिजर्व, अच्छा आपसे मेरा सवाल है,
रिजर्व कितने तरीके का होता है, क्लास अलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा रिजर्व कितने तरीके का होता है। देखो रिजर्व दो तरीके का होता है, एक होता है आपका कैपिटल रिजर्व और एक होता है हमारा कौन सा रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व का मतलब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है आपका, ये आपका कैपिटल रिजर्व ही माना जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो आपका क्या माना जाता है, कैपिटल रिजर्व माना जाता है। बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए समझ में आ गया। और इधर आपका एसेट्स में कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा, आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए मैं बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए उसमें लिखा रहे प्रिपेयर सच ट्रांजेक्शन इन योर बैलेंस शीट, तो आप यहाँ पे अपना प्रिपेयर करेंगे। ये है आपका नोट नंबर, और फिर ये है आपका करेंट ईयर, और फिर ये आपका है प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट आपके दो ईयर को लेकर ध्यान में चलती है, एक है करेंट ईयर और दूसरा क्या है आपका प्रीवियस ईयर। और ये है आपका पर्टिकुलर। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इक्विटी और लाइबिलिटी में सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, शेयर कैपिटल। क्या रहेगा बेटा, शेयर कैपिटल। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा आपका, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये वन ये टू। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका एसेट्स। एसेट्स में सबसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश और बैंक। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दो मिनट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? तो ये है आपकी बैलेंस शीट, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।